नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साफ चैंपियनशिप की। जी हाँ गाइस, तो साफ चैंपियनशिप में हमें हमारी 8 टीम मिल चुकी है, एंड वो है भाई ऑब्वियसली हमारी प्यारी दुलारी जो इस सीजन हमारे साथ काफी ज्यादा मैचेस खेलने वाली है, वो है भाई लेबनान। जी हाँ भाई, इंडिया और लेबनान के भाई 4 टूर्नामेंट में यहाँ पे भाई दोनों ही टीमें खेलने वाली है। सबसे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल कप, अब साफ, एंड उसके बाद किंग्स एंड मेर्देगा कप में भी वो हमारे साथ होगी। तो भाई इंडिया एंड लेबनान भी साथ ही चलने वाले हैं इस पूरे अगर फुटबॉलिंग सीजन की बात करें। लेकिन अगर साफ के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक 8 टीम मिल जाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर 7 टीम के साथ जाते तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि भाई एक में 3 और एक में 4 होता तो थोड़ा सा इनबैलेंस रहता, लेकिन अब भाई परफेक्ट हो चुका है। एंड आई थिंक इस बार की साफ चैंपियनशिप काफी, अब लेबनान के आने से आई थिंक ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो कुवैत, लेबनान एंड इंडिया के बीच में आई थिंक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो टाइटल के लिए यहाँ पे टक्कर रहेगी। लेट मी नो गाइज व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट दिस लेबनान कमिंग इनटू द साफ चैंपियनशिप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज राउंड ग्लास पंजाब एफसी। तो कब से भाई काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि राउंड ग्लास पंजाब ने साइनिंग की क्या न्यूज है, तो भाई यहाँ पे 2 टैलेंटेड मिडफील्डर उन्होंने यहाँ पे साइन कर लिए है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे उनकी काउंटर पार्ट आई लीग की जो टीम थी रियल कश्मीर, वहां से उन्होंने भाई सैमुअल किन्सी लिंगदो एंड उसके अलावा लेलन त्युंगा को यहाँ पे साइन कर लिया है। दोनों ही काफी टैलेंटेड मिडफील्डर है। अगर हम सैमुअल लेदों की बात करें तो भाई मणिपुर से आते हैं एंड फॉर्मरली ऑल्सो प्लेड फॉर दी केरला ब्लास्टर की जो रिजर्व टीम थी उसके लिए भी खेले हैं। शिलोंग लाइजोंग एफसी के लिए भी अंडर 17 में खेले हैं, तो काफी एक अच्छे टैलेंटेड मिडफील्डर है। और अगर इस सीजन का आई लीग उनका देखे तो भाई जबरदस्त रहा है, 5 असिस्ट एंड 6 गोल, तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने भाई इस सीजन यहाँ पे आई लीग में परफॉर्मेंस दिया था। तो राउंड क्लास पंजाब की लाइटिंग वो एक बेहतरीन साइनिंग यहाँ पे साबित हो सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी साइनिंग भी है लेलन त्युंगा, वो भी यहाँ पे भाई जबरदस्त मिडफील्डर है और उन्होंने वो भाई मिजोरम से आते हैं और वो फॉर्मरली भाई एफसी गोवा एंड बेंगलुरु एफसी के साथ जुड़े हुए थे। तो उनका भी अगर आप देखिए तो भाई इस सीजन का आई लीग काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है, 4 असिस्ट एंड 2 गोल उन्होंने भी प्रोवाइड किए है। तो दो काफी एक टैलेंटेड पेयर जो रियल कश्मीर के लिए साबित हुई थी उसको यहाँ पे भाई आईएसएल में जो प्रमोट होने वाली टीम राउंड क्लास पंजाब है उन्होंने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। तो धीरे धीरे भाई राउंड क्लास पंजाब भी अपनी जो आईएसएल की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज आरएफडीएल। जी हाँ गाइज, रिलायंस डेवलपमेंट लीग के हमें यहाँ पे 4 सेमीफाइनलिस्ट जो नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है उसके मिल चुके हैं और नेक्स्ट जेन कप के लिए भी हमें हमारी 4 टीमें मिल चुकी है कि जहाँ पे अफ्रीका और प्रीमियर लीग की काफी तगड़ी टीमें आने वाली है जो मुंबई में होने वाला है इस साल। तो अगर बात करें टीमों की तो यहाँ पे भी 4 टीमें ऑब्वियसली सुदेवा दिल्ली एफसी, मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी एंड उसी के साथ रिलायंस यूथ चैंप्स। तो ये 4 टीमें यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है जो इस बार की नेशनल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल भी खेलेंगी और उसके साथ नेक्स्ट जन कप भी खेलेंगी। और लास्ट जो एक टीम बाकी थी वो थी बेंगलुरु एफसी, जिन्होंने कल भाई अपनी आर्क राइवल केरला ब्लास्टर को वहां पे भाई 1-1 से ड्रॉ करके अपना जो प्लेस है वो कंफर्म कर लिया फॉर द सेमीफाइनल एंड फॉर द नेक्स्ट जन कप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज सेविया एफसी। जी हाँ गाइज, तो स्पेन की सुपर जायंट सेविया एफसी ने भाई यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है नेवर सरेंडर, और उसमें भाई उन्होंने भाई जो इंडियन फुटबॉल की स्टोरीज है उनको यहाँ पे बताया है। हम सबको पता है कि सेविया एफसी यहाँ पे इंडिया में भाई बेंगलुरु यूनाइटेड जो करंटली आई लीग सेकंड डिवीजन में खेलता है और बेंगलुरु का जो क्लब है उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है, एंड उसके साथ मिलके यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री निकाली है। और जो क्लब का मोटो भी है सेविया एफसी का कि भाई स्पिरिट अगेंस्ट दी चैलेंजेस, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए इस सीरीज को निकाला है और ये उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो गाइज जरूर चेकआउट करना कि जहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल स्टोरी की इंडिया में एक ब्लाइंड मैन की स्टोरी दिखाई गई कि किस तरह से चैलेंजेस ओवरकम करके वो फुटबॉल खेल रहा है, वुमेन्स की स्टोरीज दिखाई गई है। तो एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे सेविया एफसी की ओर से और अच्छी बात है इंडियन फुटबॉल के लिए कि भाई ऐसे बड़े क्लब यहाँ पे इंडियन फुटबॉल स्टोरी को कवर कर रहे हैं और इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम कोल्हापुर। जी हाँ गाइस, तो कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उनकी ओर से 2.75 करोड़ का यहाँ पे ग्रांट मिला है रिगार्डिंग टू डेवलप द फुटबॉल स्ट्रीट। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे शिवाजी स्टेडियम और साहू स्टेडियम के बीच में जो स्ट्रीट निकलती है, जो रास्ता निकलता है, वो यहाँ पे जो कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको एज अ फुटबॉल स्ट्रीट वो लोग डेकोरेट करेंगे और वहाँ पे पिक्चर्स, वहाँ पे क्या बोलते हैं स्कल्पचर्स, उसके अलावा फुटबॉलिंग हिस्ट्री, फुटबॉलिंग फ्लैग्स, जो वहाँ के जो क्लब्स है 20 से भी ज्यादा कोल्हापुर सिटी के क्लब है उनके, और पूरी एक फुटबॉलिंग स्ट्रीट की तरह डेवलप किया जाएगा क्योंकि वो रास्ता भाई महालक्ष्मी मंदिर के लिए निकलता है। तो काफी ज्यादा टूरिस्ट
उस रास्ते से गुजरते हैं। एंड जो कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि भाई हम यहाँ पे फुटबॉल की क्वालिटी मतलब काफी ज्यादा बढ़िया होती है एंड लोकल तो पार्टिसिपेट करते ही है, लेकिन इस तरह का फुटबॉल स्ट्रीट डेवलप करने से जो टूरिस्ट भी आएंगे वो भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे और वो भी मैच देखने वहां पे जाएंगे। तो ये दो स्टेडियम के बीच में जो रास्ता है उसको एज ए फुटबॉल स्ट्रीट यहाँ पे कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलप करेगी, तो ये एक बढ़िया बात है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे मुंबई सिटी का होम ग्राउंड अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी हाँ गाइज, ये बीएमसी के अंडर है, हम सबको पता है, लेकिन जो वहाँ के लोकल यहाँ पे एमएलए है अमित सातम साहब, उन्होंने यहाँ पे भाई कंप्लेंट की है कि जो ये स्टेडियम है उसको भाई जो हायर क्लास पीपल है उनके लिए और एक करप्शन के थ्रू यहाँ पे रन किया जा रहा है कि भाई जो शादी होती है उनके लिए दिया जा रहा है, जबकि ये जो स्टेडियम बनाया गया था उसका पर्पज था कि भाई आपको लोअर मिडिल क्लास उन बच्चों के लिए कि जो उनको फुटबॉलिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती है उनको यहाँ पे खेलने के लिए बनाना था। तो इस तरह के यहाँ पे एलिगेशन उन्होंने लगाया है और बीएमसी के जो चीफ है उनको यहाँ पे लेटर भी लिखा है और रिगार्डिंग द फैसिलिटीज जहाँ पे मतलब जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्विमिंग पूल की कंडीशन है और जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर का टेन्योर भी खत्म हो चुका है फिर भी वो भाई जो स्पोर्ट्स हॉल है वहाँ पे और उन सबको वो शादी के लिए भाई रेंट पे दे रहा है वो सारी चीजें, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ डिमांड्स की है कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए। और जब मुंबई सिटी को भी जब आपने रेंट पे दिया है उसके बाद भाई ये दूसरे लोगों के लिए जो मतलब लोअर मिडिल क्लास या फिर उनके उन लोगों के लिए यहाँ पे खुला रखना चाहिए, तो इस तरह की डिमांड उन्होंने कुछ रखी है। तो लेट्स सी कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस एरी, जय हिंद जय भारत।